Hey everyone, welcome back to my channel. दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से कोई DIY या makeover नहीं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खुशबूदार चीज़। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ये एरोमेटिक ऑयल डिफ्यूज़र के बारे में। 2 हफ्ते पहले ही मैंने इसे परचेज़ किया है, तो इसे कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद और इसके बेनिफिट्स को आज़माने के बाद ही मैं आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। वीडियो देखने के बाद अगर आप कभी भी मन बनाते हैं इसे परचेज करने का, तो बेशक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आज से पहले मैंने कभी भी इस तरीके का डिफ्यूज़र यूज़ नहीं किया था, तो मंगवाने से पहले थोड़ा झिझक तो था मुझे। इसलिए नेट पे सर्च करने के बाद मैंने देखा कि इसके एडवांटेजेस और इसके हेल्थ बेनिफिट्स कई सारे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। प्रोडक्ट रिव्यू और कुछ दोस्तों से पता चला कि कैंपस ऑयल डिफ्यूज़र काफ़ी रीजनेबल और रिलायबल है। बस कार्ट में ऐड किया, पे किया और अमेज़न की फास्ट डिलीवरी के कारण ये प्रोडक्ट आपके सामने है। प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते ही आप इस तरीके का डिफ्यूजर यूनिट देखोगे विथ 2 buttons एट द बॉटम, 1 for light एंड द अदर 1 for mist। साथ ही मुझे एक 2 pin का अडेप्टर भी मिला है जो कि BIS सर्टिफाइड है, और साथ ही साथ इसके इजी ऑपरेशन के लिए मिला है मुझे एक यूजर मैनुअल गाइड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हर एक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। इसके इजी और स्टेडी ऑपरेशन के लिए आप इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस ज़रूर फॉलो करें। ये जो एसेंशियल ऑयल आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे मैंने एडिशनली परचेज किया है। आप चाहें तो इसके अलावा कोई और एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस लेमन ग्रास। This diffuser unit is basically white in color, but it is made up of plastic material. इसकी टैंक कैपेसिटी है मैक्सिमम 250 ml। यूनिट के टॉप पार्ट में आप इस तरीके का स्पाउट देखोगे जिससे कि मिस्ट ऊपर की तरफ वर्टिकली फ्लो करता है। आप कंटिन्यूसली इसे 6 से 7 घंटे चला सकते हैं, या फिर मैनुअली इसे 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 3 घंटे पे सेट कर सकते हैं, जिसके बाद ये ऑटो शट हो जाएगा और पावर भी वेस्ट नहीं होगा। ये डिवाइस मैक्सिमम 150 टू 180 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर सकता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात मुझे इस कंपनी का लगा वो ये है कि इस प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की वारंटी भी मिलेगी। इस डिफ्यूज़र को ऑपरेट करने से पहले इसके साथ दिए गए अडेप्टर को मैं डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दूंगी और फिर इसमें पानी फिल कर लूंगी। यहाँ दोस्तों हमें 2 बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले कि हमें सिर्फ RO वाटर ही यूज़ करना है, और दूसरी बात कि 250 ml से हमें कम पानी लेना है। मैंने लगभग 150 ml पानी फिल कर लिया है, और फिर इसमें मैं ऐड करूंगी 3 से 4 drops ऑफ लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल। इनर लिड को थोड़ा टाइटली इसमें फिक्स करना है, लेकिन जो बाहर का कैप है वो काफी एडजस्टेबल है एंड इजीली रिमूवेबल है। अब मैं जैसे ही इस मिस्ट बटन को प्रेस करूंगी ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसके लेफ्ट वाला बटन दोस्तों लाइट का है, जिसे प्रेस करते ही डिफ्यूजर का कलर चेंज होने लगेगा। मिस्ट बटन के थ्रू आप अपने टाइमर को 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 3 घंटे पे सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई सा भी टाइमर चूज नहीं करते हो तो डिफ्यूजर ऑटो कट हो जाएगा जब इसके अंदर का पानी पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाएगा। दोस्तों
दोस्तों इसकी लाइट चेंजिंग फंक्शन के कारण मैं इसे टेबल लैम्प के तरीके यूज कर सकती हूँ। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, जिसके लिए मैंने स्पेशली इसे परचेज किया है। विंटर सीजन में दोस्तों ये अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजर ह्यूमिडिफायर के तरीके वर्क करता है, जो कि स्किन को ड्राई होने से बचाता है। Sometimes I love to keep it on my desk while I am working because ये बिल्कुल भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करता है और उस वक्त इसकी धीमी धीमी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। But I think nowadays I am getting attracted towards it। रात में मैं इसे बेडसाइड टेबल में रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि दिन भर के थकान के बाद रात में मुझे अच्छी नींद चाहिए। इसलिए हर रोज की तरह 2 मिनट मेडिटेशन करने के बाद मैं इसे ऑन कर देती हूँ एंड आई फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग। अभी तक तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि इसके मिस्ट के कारण इसके बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता हो। रियली इट्स वेरी कूल, सो आई नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट इट्स प्लास्टिक बॉडी। बेशक अब मैं बोल सकती हूँ कि ये हाई ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से बना है। But guys, I really recommend you all, please do read the instruction manual carefully while you are cleaning its water tank. तो इस डिफ्यूजर के साथ ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था जो आज मैंने आपसे शेयर की है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर योर्स इफ यू आर यूजिंग वन बाय पोस्टिंग इट इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों, अगर आप होम डेकोर के शौकीन हैं तो मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करते होंगे। इसके फीचर्स और इसके फ़ायदे को देखते हुए ही आज मैंने ये वीडियो आप लोगों से शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही अलग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आज का। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फॉलोइंग विद दैट बेल आइकन, क्योंकि उसी से आप लोगों को मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। फिर मिलूंगी एक नए क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।